नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। तो दोस्तों, मैं करुणा इस वीडियो में लेकर के आई हूँ आपकी क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की मार्किंग स्कीम। ये आपका टर्म 2 एनुअल एग्जामिनेशन की मार्किंग स्कीम है, जो कि आपने दिया था 21 अप्रैल को। 40 नंबर का ये पेपर आपका हुआ था, 2 घंटे का टाइम बेटा इसके अंदर आपको दिया गया था। आपके स्क्रीन पर आपको आंसर्स दिख रहे होंगे। खंड का संकेत बिंदु प्रश्न संख्या 1 का आंसर यहाँ पर दिया गया। अपना क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखना। एक बार फिर से बेटा मैं आपको बता दूँ, ये मॉर्निंग शिफ्ट की आंसर की है। इसी के साथ ही साथ बेटा, अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक भी शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब कर लो, जिससे इस तरह की मार्किंग स्कीम, आंसर की, मॉडल टेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर, आपका सिलेबस, आपके CBSE अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बेटा बिल्कुल भी मत भूलना। खंड खा बेटा यहाँ पर आपका शुरू हो रहा है, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पुस्तक, किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं। भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, खा। बेटा अगर आपको लग रहा है वीडियो थोड़ा जल्दी चल रही है, तो बच्चे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 का आंसर इंटरनल चॉइस बेटा इस क्वेश्चन में आपको दी गई थी। प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन, बेटा वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे, और इसी के साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है बेटा। दो प्रश्नों के उत्तर बेटा आपको इनमें देने थे। तो बेटा ये थी आपकी मार्किंग स्कीम क्लास 11th की एनुअल एग्ज़ाम टर्म 2 के लिए हिंदी सब्जेक्ट की। आशा करती हूँ बेटा ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।